बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सैयद फहीमुल हक अलमर्दानी और आप देख रहे हैं अलमर्दानी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये हमारा आज वाला वीडियो है लाइट सेंसर के बारे में। ये एक सर्किट है बुनियादी फंडामेंटल, ठीक हो गया जी। अगर इस सर्किट में आप NTC लगाए, थर्मिस्टर या थर्मल रजिस्टर लगाए, तो ये स्विच जो है ना हरारत गर्माइश के साथ एक्टिवेट होता है। अगर आप इस रजिस्टर के जगह LDR लगाए तो फिर ये स्विच जो है ना लाइट के साथ ऑन ऑफ होगा, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सादा आसान सर्किट है, रोशनी को सेंस करता है, ठीक हो गया जी। NTC तो हरारत को सेंस करता है, यानी गर्मी और सर्दी से उसके अंदरूनी टेम्परेचर रेजिस्टेंस में फ़र्क आता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कम होता है, तो उस हिसाब से फिर हम स्विच को एक्टिवेट कर सकते हैं। और LDR जो है ना रोशनी के साथ, मतलब रोशनी ज़्यादा होने से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रोशनी कम होने से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से फिर हम स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप स्ट्रीट लाइट में भी लगा सकते हैं, किसी बाकी आपकी मर्ज़ी जिस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर इसका इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट में होता है। जैसे ही सुबह हो जाता है तो लाइट ऑफ हो जाता है, और सूरज गुरूब होते ही ये लाइट को ऑन कर। तो चलो दोस्तों इसको बनाते हैं। ये उसी तरह PCB है जिस तरह हमने इस पर थर्मल स्विच बनाया था। ये स्टेबलाइजर वाला सर्किट जो होता है मार्केट में आम दस्तियाब होते हैं, उस सर्किट का एक रिले वाला हिस्सा है, ठीक हो गया जी। आप इसको जो है ना रोबोट पर भी बना सकते हैं, जिस तरह के ये रोबोट होते हैं इस पर भी बना सकते हैं, और ये तैयार सर्किट है। तो चलो दोस्तों बनाते हैं इसको अभी है। सबसे पहले हम एक रिले लगाते हैं, अच्छा दोस्तों अब इसका सोल्डरिंग करते हैं। हमारे कंपोनेंट सारे लग गए, अब इसका सोल्डरिंग करते हैं, इसके बाद फिर इसके साथ LED लगाते हैं। दोस्तों तो हमारा सर्किट तैयार हो गया, अब इसको टेस्ट करते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये 12 वोल्ट लाइट है, इसको इस वक्त मैंने 12 वोल्ट सप्लाई से ऑपरेट किया है। अगर आप इससे 220 वोल्ट का बल्ब ऑपरेट करना चाहते हैं तो फिर 220 भी कर सकते हैं, जितना आपकी मर्ज़ी, छोटा बल्ब बड़ा बल्ब हर किस्म का कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों मैं इसको सप्लाई फराहम करता हूँ। इसको मैंने 12 वोल्ट सप्लाई दे दिया, ये लाइट ऑन है, ठीक हो गया जी। तो जैसे ये लाइट ऑफ हो गया, मतलब इस वक्त रोशनी है, तो ये लाइट हमारे साथ ऑफ हो गया। तो देखो दोस्तों जैसे मैं LDR के ऊपर रोशनी बंद करता हूँ तो ये लाइट को ऑन करता है, ठीक हो गया जी। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसके ऊपर लाइट बंद कर दिया तो ये रोशनी को लाइट को ऑफ करता है, आप देख सकते हैं। तो आप इसको जो है ना स्ट्रीट लाइट के ऊपर लगा सकते हैं, जैसे ही शाम हो जाएगा, सूरज गुरूब हो जाएगा, तो ये LDR ये लाइट जो है ना ऑन ऑफ करेगा। और लाइट इंटेंसिटी जो है ना आप इधर से सेट कर सकते हैं, मतलब आपने इसको लाइट जाने से, मतलब रोशनी कम होने से लाइट ऑन करता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइट ऑन होने से ही आप करें, बस इधर रिले जो है ना ये अब NC पर लगा हुआ है, तो आप NO पर लगा दें, फिर इसका काम कारकर्दगी जो है ना उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों बस ये सर्किट है, आप इसका इधर सर्किट से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसका PDF फाइल मुझसे व्हाट्सएप पर भी हासिल कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक हो गया जी। अब और इसी सर्किट के साथ में अब आपके साथ पेन और थर्मिस्टर लगाता हूँ, बिल्कुल यही सर्किट जो है ना जब गर्म हो जाएगा तो आपके साथ ये पेन को ऑन करेगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो वापस पेन को बंद कर देगा, ठीक है जी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया भी है, और ये दूसरा फिर बनाता हूँ दोस्तों। तो वही सर्किट है, इससे मैंने LDR को हटा दिया, अब इसके साथ मैं थर्मिस्टर को लगा रहा हूँ, थर्मल रेजिस्टर, ठीक हो गया जी। अब ये हीट स्विच बन जाएगा, हीट सेंसर स्विच बन जाएगा, ठीक है जी। इसमें कुछ भी ऐसा खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस सिंपल सादा सर्किट है।
LDR की जगह अब मैंने थर्मिस्टर को लगाया। अब ये फंक्शन जो है ना उसके साथ करेगा। अच्छा दोस्तों, तो वही सर्किट है, इसके साथ मैंने LDR और लाइट की जगह जो है ना थर्मिस्टर और फैन लगा दिया। तो अब मैंने इसको 12 वोल्ट सप्लाई के साथ लगाया है। अभी हाथ का जो टेम्परेचर होता है ये मैं उसके साथ जो है ना कनेक्ट करता हूँ। ये थर्मिस्टर है, इसको मैंने हाथ में पकड़ा है तो उंगलियों का जो टेम्परेचर होता है इसके साथ भी एक्टिवेट हो गया। अब आपने देख लिया, अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये आप हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह यहाँ जो थर्मिस्टर लगा हुआ है ये वेरिएबल से आप इसका जो है ना रेंज सेट कर सकते हैं। मतलब अब इसको मैंने इसका टेम्परेचर, अब ये हाथ से नहीं होगा, ठीक हो गया जी। तो अब इसके साथ हम कावे का जो टेम्परेचर है इसको लगाएंगे। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर ये सोल्डर से आयरन से हमने दे दिया, ठीक हो गया जी। इससे मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बस ये वेरिएबल है, आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अभी के साथ लगाया है, अभी पेन स्टार्ट हो गया, ये पेन है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा आपने देखते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, तो अब इसका स्ट्रीट लाइट बनाते हैं, इस हेडसिंक के ऊपर इसको लगाते हैं और जब रात हो जाएगी तो ये लग जाएगा, ऑन हो जाएगा, और जब वापस रोशनी इसके ऊपर पड़ जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो ये हमने 11 वाला स्विच बनाया, लाइट फैन स्विच है। तो इसके ऊपर जैसा ही 11 हो जाता है तो ये ऑन हो जाता है, और जैसा ही रोशनी हो जाती है तो ये ऑफ हो जाता है। तो आप इसको 12 वोल्ट मिनट बना सकते हैं, 220 मिनट बना सकते हैं। इसके ऊपर छोटा लाइट, बड़ा लाइट, हर किस्म का आप इसके साथ लगा सकते हैं। दूसरा, इसको बेल्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसका लाइट इलेक्ट्रिसिटी आप इस वीडियो से कम वेस्ट कर सकते हैं। देखो जैसे इसके ऊपर अंधेरा हो जाता है तो ये ऑन हो जाता है, ठीक हो गया जी। जैसा अंधेरा हो जाता है तो ये ऑन हो जाता है, और रोशनी होने पर वापस ऑफ हो जाता है, ठीक है जी। तो ये मैं दुकान का शटर इसके ऊपर थोड़ा नीचे कर रहा था, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, इसके ऊपर ये ऑन हो जाता है, और जैसा ये ऑफ हो जाता है। दोस्तों ये इसका बहुत सिंपल सादा सर्किट डायग्राम है, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और इसका मीडियम फाइल में भी डायग्राम आप उससे हासिल कर सकते हैं।